Hey everyone, welcome to Sweet and Spicy Corner. तो आज मैं कुछ स्वीट और स्पाइसी दोनों बनाने वाली हूँ. यस, आज मैं आपको बताऊँगी कि रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले कैसे बनाते हैं. ये बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टी डिश है ये. आप इसको बना करके एक हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो. ये एकदम रुई जैसे दही भल्ले हैं और रुई जैसे कैसे बनेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने एक रात पहले मूंग की दाल भिगा ली थी और उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है. अब हमें इसे अच्छे से इसमें कुछ मसाले डालकर और मिक्स कर लेना है. इसमें एक टेबल स्पून जीरा डालेंगे और मेरे पास साबुत हींग थी तो मैंने उसको गर्म पानी में भिगा लिया. अब उसका पानी मैं इसमें डालूँगी, उससे एक अच्छा टेस्ट आ जाता है. और अब हमें इसका जो मिक्सचर है उसको अच्छे से काफ़ी 10 से 15 मिनट तक फेंटना है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट बन जाए. तभी आप ये जो दही भल्ले हैं वो एकदम रुई जैसे स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेंगे. मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल है इसको मिक्स करने में. आप चाहें तो विस्कर भी ले सकते हैं. सो गाइस देखिए इसने अपना कलर किस तरीके से चेंज कर लिया है और इसका जो टेक्सचर है वो भी कितना सॉफ्ट बन गया है. सो अब ये रेडी है. अगर आप और भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाना चाहते हो तो आप अपने बैटर को थोड़ा और गीला कर लेना. और मैंने यहाँ पर मीडियम गर्म पानी में नमक डाल के रख दिया जिसमें अपने दही भल्ले डुबाएंगे. सो चलिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे. गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है क्योंकि हमें उसे क्रिस्पी बनाना है. तो गाइस देखिए मीडियम फ्लेम पर ये किस तरीके से पक रहा है. अभी सारे दही भल्ले अलग हो चुके हैं, हमें उसको चला देंगे और मतलब पलट देना है सभी दही भल्लों को. और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए. सो गाइस आप देख सकते हो इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये लाइट ब्राउन हो चुका है. अब इसको बाहर से क्रंची क्रिस्पी और बाहर से और डार्क ब्राउन कलर लाने के लिए हम अब गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे क्योंकि अंदर से हमारा ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है. अब बाहर से उसका अच्छा कलर लाने के लिए और उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम अपनी फ्लेम तेज़ कर देंगे और उसको तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे. हमें इसको इसी तरीके से चारों तरफ से पलट पलट करके पकाना है. उसका कलर देखिए ब्राउन कलर आ चुका है. सो अब ये कंप्लीटली रेडी है. अब हम इसको डायरेक्ट उस गर्म पानी वाले बाउल में डाल देंगे. Thank you.
और अपनी सेकेंड पार्ट की दही भल्ले बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो आप देख सकते हो कि जो जो दही भल्लों ने पानी पी लिया है अच्छी तरीके से वो नीचे बैठ गए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं पिया है वो ऊपर तैर रहे हैं। सो मेरा दूसरा पार्ट भी फ्राई हो रहा है, अब इसके लिए भी हम फ्राई करेंगे। सो आप देख सकते हो कि जिन्होंने जो जो कम्प्लीटली भीग चुके हैं पानी में वो नीचे बैठ चुके हैं, तो हम पहले नीचे वाले ही लेंगे सर्विंग के लिए। मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे सर्व करें। तो मैंने ढेर सारा बना लिया है और इसको आप एक हफ्ते तक इसी तरीके से पानी में ढक करके फ्रिज में आप रख सकते हैं, और जब खाना हो तो झटपट पानी निचोड़ करके फ्रेश दही डालकर खा लो। और आपको जो टॉपिंग ऊपर से मीठी या तीखी चटनी की डालनी है वो आप डाल लो। हम इसको अच्छे से दही से कवर कर देंगे क्योंकि जितनी दही होता है उतना अच्छा लगता है। और ये तीखी चटनी है जो मैंने घर पे बनाया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और ये इमली की चटनी है जो मैंने ये भी घर पे बनाया है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने यहाँ पर इमली की चटनी यूज़ की है, आप गुड़ की भी चटनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गुड़ की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और फिर हम इसके ऊपर से इसमें चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मीठा कर सकते हो। तो आप देखिए कितनी अच्छी ये दिखने में है, जितनी अच्छी दिखने में उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी है खाने में। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, एकदम रुई जैसी और स्पॉन्जी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वीट एंड स्पाइसी कॉर्नर में जैसा दिखता है वैसा ही बनता है। थैंक यू एंड टेक केयर।